अब राइट साइड पे आ जाओ, और व्हेन मेजर्ड बाय 30 मीटर चेन, वही डिस्टेंस जब हमने राइट साइड पे ये 30 मीटर की चेन पे मेजर करा तो कितना मेजर हुआ, मेजर डिस्टेंस 1345 मीटर। अब 30 मीटर की चेन में हमें एरर गिवन है, एरर जो 30 मीटर की चेन में कितना गिवन है, 1 लिंक 2 शॉट। अब हमें करेक्शन निकालनी है ये लेफ्ट साइड में 20 मीटर की चेन में, ये 20 मीटर की चेन का डाटा लिख लिया, ये 30 मीटर की चेन का डाटा लिख लिया। क्वेश्चन क्लियर है सबको? हाँ जी सर, क्वेश्चन क्लियर है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डाटा हमें गिवन है उसको यूज करेंगे। ये 30 मीटर के केस में हमें सारी चीजें गिवन है, तो हम 30 मीटर के केस में सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रू डिस्टेंस निकालेंगे। देखो डिस्टेंस दो पॉइंटों के बीच में मेजर किया, पहले 20 से किया फिर 30 मीटर से किया, डिस्टेंस जो एक बार सही ट्रू डिस्टेंस निकल गया, ट्रू डिस्टेंस तो वही ट्रू डिस्टेंस रहना है क्योंकि वही पॉइंटों के बीच में हमने दो बारी मेजरमेंट करी है। तो हम ट्रू डिस्टेंस 30 मीटर की चेन के डाटे से निकाल लेंगे। तो 30 मीटर की चेन कौन सी है, उसमें लिखाएंगे फॉर्मूला, ट्रू डिस्टेंस इज इक्वल टू मेजर डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय इनकरेक्ट लेंथ डिवाइड बाय करेक्ट लेंथ। अब मेजर कितना डिस्टेंस हुआ इस केस में 30 मीटर की चेन में, 1345 मीटर। तो यहाँ मैंने लिखा मैयर डिस्टेंस 1345 मीटर मल्टीप्लाई बाई इनकरेक्ट लेंथ। अब इनकरेक्ट लेंथ कैसे निकलेगी, इसके एरर को यूज करके निकलेगी। तो इनकरेक्ट लेंथ यहाँ पे एल डैश की वैल्यू जो है मैंने यहाँ पे यहाँ ब्रैकेट में निकाली है, एल डैश की वैल्यू बराबर किसके है, एरर कितना गिवन है, 1 लिंक 2 शॉट, मतलब चेन जोन सी थी 2 शॉट हुई, कितनी 2 शॉट हुई, 1 लिंक छोटी हुई, चेन जोन सी थी वो एक्चुअल में 1 लिंक छोटी थी। तो इसमें एरर कितना निकलेगा, ये देखो 30 मीटर चेन माइनस, माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शॉर्ट का एरर है, छोटी चेन हुई, तो 1 लिंक, यहाँ पे 1 जो है वो 1 लिंक, इसका 1 का मतलब है 1 लिंक, उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि 1 लिंक 0.2 मीटर के बराबर होता है, मैंने उसको मल्टीप्लाई किया है 0.2 से, क्योंकि मीटर में से मीटर ही माइनस करेंगे, यूनिट कन्वर्जन आपने देखनी है, ये नहीं कि मीटर में से आपने लिंक माइनस कर दिया, ऐसे नहीं हो सकता, मीटर में से मीटर, लिंक में से लिंक, हर चीज सेम यूनिट से ही कैरी फॉरवर्ड होती है, अलग अलग यूनिट्स आप नहीं ले सकते। कोशिश करो आप एसआई सिस्टम में पढ़ते हो, मीट्रिक सिस्टम में पढ़ते हो, तो आप मीट्रिक मीटर ही यूनिट लेके चलो हर जगह। ये कन्वर्जन ठीक है, 1 लिंक की कन्वर्जन हमने करने के लिए, 1 लिंक 0.2 मीटर के बराबर होता है, इसलिए मैंने 1 मल्टीप्लाई 0.2 कर दिया ताकि मीटर में आ जाए। तो क्योंकि अब इनकरेक्ट लेंथ निकालने के लिए 30 मीटर की चेन थी तो 2 शॉर्ट का एरर है, तो माइनस करेंगे 30 मीटर माइनस 0.2, तो ये आ गया 29.8 मीटर इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द चेन, 29.8 मीटर। क्लियर है ये? हाँ जी सर। बाकी वो क्लियर है, ये 29.8 मीटर कैसे आया? क्लियर है? यस सर। तो स्टूडेंट इस 29.8 मीटर को हम इस इनकरेक्ट लेंथ एल डैश की वैल्यू में डाल देंगे, तो एल डैश की जगह पे हमने लिख दिया 29.8 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ करेक्ट लेंथ 30 मीटर। तो ट्रू डिस्टेंस कितना आया, सही डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स कितना आ गया, 1336.03 आ गया। यहाँ तक क्लियर है? दो पॉइंट्स के बीच में हमने ट्रू डिस्टेंस निकाल दिया ये 30 मीटर की चेन का डाटा यूज करके, कितना आया, 1336.03 मीटर। क्लियर है ये? अब स्टूडेंट देखो उन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में हमने जब 20 मीटर की चेन से मेजरमेंट करी तो ट्रू डिस्टेंस तो उन दो पॉइंट्स के बीच में सेम ही रहेगा, तो हम इस ट्रू डिस्टेंस को हम 20 मीटर की चेन के डाटे में यूज कर लेंगे। तो इसमें भी देखो यहाँ पे फार्मूला यही लिखना है, ट्रू डिस्टेंस इज इक्वल टू मेजर डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय इनकरेक्ट लेंथ डिवाइड बाय करेक्ट लेंथ। इसके अंदर ट्रू डिस्टेंस तो वही रहेगा, तो हमने यही यूज कर लिया, 1336.03 इज इक्वल टू मेजर डिस्टेंस। मेजर डिस्टेंस कितना मेजर हुआ था केस वन में 20 मीटर की चेन में, 1340 मीटर, तो हमने यहाँ पे 1340 लिखा, मल्टीप्लाई बाई इनकरेक्ट लेंथ हम निकालेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर ही हमने करेक्शन निकालनी है, डिवाइडेड बाई ओरिजिनल करेक्ट लेंथ कितनी है 20, तो इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ से एल डैश की वैल्यू आ गई, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ 20 मीटर चेन आ गई, कितनी आ गई, 19.94 मीटर। यहाँ तक क्लियर है? इनकरेक्ट लेंथ ऑफ 20 मीटर चेन कितनी आई, 19.94 मीटर। यहाँ तक क्लियर है? ओके। बाकी को क्लियर है? यस सर।
अब स्टूडेंट देखो, हमने निकालना क्या था, इस चेन 20 मीटर की चेन के बीच में हमने करेक्शन निकालनी है, तो हमने इस 20 मीटर की चेन में हमने इनकरेक्ट लेंथ निकाल दी। अब उसके बाद एरर निकालेंगे, एरर निकालने का जो मैंने आपको फार्मूला बताया वही आपने लगाना है, इनकरेक्ट लेंथ माइनस करेक्ट लेंथ। ऐसे भी आपने वैसे ही निकालना है जैसे मैंने आपको बताया, इनकरेक्ट लेंथ कितनी आई 19.94 माइनस करेक्ट लेंथ कितनी है 20, तो ये वैल्यू आएगी 0.06 माइनस में। क्लियर है, क्लियर है? यस सर। आपने जो आंसर है इनकरेक्ट लेंथ एल डैश माइनस एल निकालना है, इनकरेक्ट लेंथ माइनस करेक्ट लेंथ, इनकरेक्ट लेंथ कितनी है 19.94 माइनस करेक्ट लेंथ कितनी है 20 मीटर, तो ये माइनस में आएगा, माइनस में कितना आया 0.06। इन्होंने रिवर्स किया हुआ है, बाद में साइन बदल दिया, वो ऐसे आप कंफ्यूज ना करना, फार्मूला याद कर लो एरर निकालने का, इनकरेक्ट लेंथ माइनस करेक्ट लेंथ, जो भी विद साइन आपने लिख देना है, ये नेगेटिव 0.06 मीटर आ गया एरर, ये एरर आया एरर। क्लियर है? पर हमने क्या निकालना है, हमने तो करेक्शन निकालनी है, तो आपको पता है एरर नेगेटिव है तो करेक्शन पॉजिटिव रहेगी, तो सिर्फ साइन बदल देना, करेक्शन इज इक्वल टू 0.06 मीटर प्लस में। ठीक है, हाँ ये निकालना था हमें, 20 मीटर की चेन में हमने करेक्शन निकालनी थी, व्हाट करेक्शन वाज रिक्वायर्ड इन 20 मीटर चेन। ये वाला क्वेश्चन क्लियर है, ये वाला भी आ सकता है पेपर में, अगर किसी को नहीं क्लियर तो पूछ लो। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है सबको? ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? नेक्स्ट कराओ, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये सिंपल ही है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। पहले क्वेश्चन पढ़ो, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन, दो स्टेशन के बीच में डिस्टेंस कितना है 1500 मीटर, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन वाज 1500 मीटर व्हेन मेजर्ड विद 20 मीटर चेन, मतलब ये डिस्टेंस मेजर किया गया, ये मेजर्ड डिस्टेंस है 1500 मीटर, कैसे मेजर करा, विद द हेल्प ऑफ 20 मीटर चेन, 20 मीटर की चेन से दो स्टेशन के बीच में डिस्टेंस मेजर, डिस्टेंस हुआ 1500 मीटर। यहाँ पे लिख दिया मैंने नीचे, मेजर डिस्टेंस इज इक्वल टू 1500 मीटर, 20 मीटर की चेन यूज करी। द सेम डिस्टेंस व्हेन मेजर्ड विद 30 मीटर चेन, अब यही डिस्टेंस जब हमने 30 मीटर की चेन से मेजर करा, तो मैंने ये राइट साइड पे लिख दिया 30 मीटर की चेन, और डिस्टेंस मेजर कितना हुआ, ये वाज फाउंड टू बी 1476 मीटर। तो सेकंड केस में मेजर डिस्टेंस सेम, वही दो स्टेशन के बीच में डिस्टेंस जब मेजर करा 30 मीटर की चेन से, तो डिस्टेंस कितना आया 1476 मीटर। अब वो कह रहा है इफ 20 मीटर चेन वाज 5 सेंटीमीटर टू शॉर्ट, तो इस 20 मीटर की चेन के अंदर हमें एरर दिया है 5 सेंटीमीटर टू शॉर्ट का, बट एरर वाज देयर इन 30 मीटर चेन, तो 30 मीटर की चेन में हमने एरर निकालना है। ऐसा क्वेश्चन अभी हमने अटेम्प्ट करा था, उसी टाइप का, सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्लियर है? हां जी सर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो पॉइंट स्टेशन के बीच में हमने डिस्टेंस मेजर करा, कितना आया 1500 मीटर, चेन यूज करी थी 20 मीटर वाली, फिर हमने उन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में दोबारा मेजरमेंट करी, वो आया 1476 मीटर, इस टाइम पे हमने जो चेन यूज करी वो 30 मीटर की चेन। तो कह रहा है कि इस 30 मीटर की चेन में एरर निकालो, जब 20 मीटर की चेन में एरर हमें गिवन है, कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर टू शॉर्ट का, 20 मीटर की चेन जो 5 सेंटीमीटर छोटी थी। क्वेश्चन क्लियर है? तो इसके अंदर भी हम वैसे ही करेंगे स्टूडेंट, देखो सबसे पहले हमें डाटा 20 मीटर का गिवन है, तो हम पहले 20 मीटर की चेन ले लेंगे, 20 मीटर की चेन में फार्मूला वही लगाएंगे, टू डिस्टेंस इज इक्वल टू मेजर डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय इनकरेक्ट लेंथ डिवाइड बाय करेक्ट लेंथ। तो इसमें मेजर डिस्टेंस कितना है 1500 मीटर, यहां 1500 लिख दिया मेजर डिस्टेंस की जगह पे, मल्टीप्लाई बाय इनकरेक्ट लेंथ, इनकरेक्ट लेंथ हमें निकालनी पड़ेगी, इसके एरर से निकालेंगे, एरर हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर टू शॉर्ट का, तो मतलब टू शॉर्ट का मतलब चेन छोटी हुई या माइनस होगा, तो एरर इनकरेक्ट लेंथ कैसे निकलेगी, एल डैश विल बी इक्वल टू 20 मीटर माइनस, क्योंकि शॉर्ट का एरर है 5 सेंटीमीटर का एरर है, इसको हमने अब मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 5 डिवाइड बाय 100 करा है मैंने, तो इनकरेक्ट लेंथ कितनी आएगी 19.95 मीटर। तो हमने एल डैश की वैल्यू यहाँ पे 19.95 मीटर डाल दी, करेक्ट लेंथ हमें पता ही है कितनी है 20 मीटर, तो इसको हमने सॉल्व करा, तो ये कितना डिस्टेंस आ गया, ट्रू डिस्टेंस 1496.25 मीटर, 1496.25 मीटर आ गया, जो कि 1500 मीटर मेजर किया गया था, ट्रू डिस्टेंस हमें पता लग गया दो स्टेशन के बीच में। क्लियर है?
अब यही ट्रू डिस्टेंस जो है 30 मीटर की चेन में भी सेम ही रहेगा क्योंकि स्टेशन तो दोनों वही के वही थे, सेम ही थे, तो हम 30 मीटर की चेन का केस ले लेंगे। ट्रू डिस्टेंस इज इक्वल टू मैयर डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई इनक्रेक्ट लेंथ डिवाइड बाई करेक्ट लेंथ। ट्रू डिस्टेंस हमने वही यूज कर लेना 496.25 विल बी इक्वल टू, इस केस में मैयर डिस्टेंस कितना था 30 मीटर की केस में 1476, 1476 मल्टीप्लाई बाई इनक्रेक्ट लेंथ हम इसकी निकालेंगे क्योंकि हमने इसमें एरर निकाला, डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ 30 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इनक्रेक्ट लेंथ निकालो, ये आ गया 30.411 मीटर। तो इनक्रेक्ट लेंथ आपकी निकल गई, एरर का आपको पता ही है, इनक्रेक्ट लेंथ माइनस करेक्ट लेंथ, इनक्रेक्ट लेंथ कितनी है 30.411 माइनस करेक्ट आपको पता 30, तो एरर कितना आ गया विद साइन पॉजिटिव एरर आया 0.411 मीटर, 30 मीटर की चेन में ये एरर आया। क्लियर है ये क्वेश्चन? क्लियर है जी सर? यस सर। अगर नहीं क्लियर किसी को तो पूछ लो दोबारा। हाँ जी क्लियर है ये क्वेश्चन? स्टूडेंट एक काम करो, अभी कितने देखो आपके सामने पार्टिसिपेंट्स हो रहे हैं यहाँ पे मेरे को मिला के 16, तो हमारा टाइम एक मिनट से कम रह गया है, दोबारा ज्वाइन करते हैं। अब यहाँ पे 17 हो गए हैं, ये क्या चक्कर है? कौन आया कन्वर राय, तुम दो आईडियो से क्यों कर रहे हो, एक आईडी से करो। तो अब दोबारा